देखिए आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा किसका है, अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट जानते हैं, व्हाट को लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम में करने के लिए यूज़ होता है। आप इतने एरिया को मैं मल्च कर देता हूँ, मैंने क्या कर दिया, मल्च कर दिया, मल्च हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रोहित। अभी आप देखोगे मैंने इसको जो रोहित लिखा है वो किस में, बॉटम में। तो आप इसे क्या कर सकते हो, मिडल कर सकते हो। इसे क्या कर सकते हो आप, टॉप कर सकते हो। तो टॉप बॉटम मिडल, इसको राइट लेफ्ट सेंटर, सेंटर राइट, और ये राइट है, ये सेंटर है, और ये क्या है आपका लेफ्ट है। क्लियर है? तो आप वर्ड को इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? तो वर्ड को अगर इससे इधर ले जाना तो आप ये करके बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट याद रखना आप लोग। इसके बाद नीचे आता है वर्ड को रोटेट करना। क्या आता है, वर्ड को अगर आपको रोटेट करना हो तो आप क्या करोगे, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिटेशन। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, मैं थोड़ा स्पेस कर रहा ताकि आपको ये ध्यान से दिखे। क्लियर? आपने कोई वर्ड लिखा, मान लो मैंने अपना नाम लिखा है शाहरुख। अब इस वर्ड को अलग एरिए से या अलग तरीके से देखना है तो मैं इसे रोटेशन के अंदर आऊँगा, मैं इसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल काउंटर क्लॉक वाइज। इसे सेंटर कर दो, इसे क्या कर दो, मिडल कर दो, हो गया। आप चाहते हो इसे क्या कर दो, क्लॉक वाइज कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। आप चाहते हो इसे वर्टिकल कर दो तो आप वर्टिकल कर सकते हो। आप चाहते हो इसे क्या कर दो, टैक्स अप कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। आप चाहते हो इसे क्या कर दो, टैक्स डाउन कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। आप चाहते हो मैं क्या कर दूँ, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, तो आप यहाँ जाके इसको क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। अभी -90 डिग्री में, आप इसे -45 डिग्री में कर दीजिए। तो आपके हाथ में, आप इसे खुद अप एंड डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ आ गया? आगे बढ़े, क्या हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है डिक्रीज इंडेंट और एक आता है इंक्रीज इंडेंट। आपने कोई वर्ड लिखा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो आप क्या करना है, इसे क्या कर देना है, यहाँ पर एक होता है इंक्रीज इंडेंट, तो ये क्या होता है, ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। हाँ, इसे बैक लाना है तो डिक्रीज इंडेंट, तो क्या हो जाएगा, पीछे आता जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? इसके बाद आता है एक आता है रैप टैक्स। क्या आता है, रैप टैक्स। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने यह लिखा अमित कुमार। देखो जब ये भाल जाएगा तो पूरा भाल चला गया ना। अभी यहाँ कोई वर्ड लिखूंगा तो कुमार हाइड हो जाएगा, कुमार क्या हो गया, हाइड हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ना इससे बाहर ना जाए, मेरा क्या ना हो, इससे बाहर ना जाए, क्या ना हो, बाहर ना जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि जब मैं कोई वर्ड लिखूँ ना, अमित कुमार, अमित लिखा, तो मैं इस पर ओल्ट इंटर मार सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रैप टेक्स आ जाएगा, कुमार ओल्ट इंटर राठौर। तो एक ही लाइन में सारे आ जाएगा, एक ही लाइन में सार, आगे से बोलते हैं रैप टेक्स, क्या बोलते हैं, रैप टेक्स। क्लियर? दूसरा, अगर आपने यहाँ आप ऐसे लिखा है और आप चाहते हो अपने आप हो जाए, तो आप इस पर क्लिक कर देना, रैप टेक्स अपने आप हो जाएगा। अभी ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहाँ आ जाओ और क्लिक करो, हो गया, हो गया। तो आप यहाँ से रैप टैग कर सकते हैं। अगर खुद करना है तो ओल्ड इंटर है, और सिस्टम से करवाना है तो आप इस पर क्लिक कर देना, वो अपने आप कर देगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। क्या आता है आपका, मर्ज एंड सेंटर। लेकिन इससे अच्छा हमारे पास एक होता है श्रिंक। क्या होता है, श्रिंक टू फिट। क्या होता है, श्रिंक टू फिट। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होता है ना। जैसे कई बार हमने कोई नाम लिखा, हमने यहाँ लिखा सुजीत कुमार, ठीक है, आगे लिखा सुजीत कुमार चौधरी। अभी बहुत बड़ा होगी, मैं चाहता हूँ मल जो है लेकिन इसी वर्ड में है ना, तो मैं कॉलम की साइज बढ़ाना चाहता, मैं ना रो को रैप टेक्स्ट करना चाहता, तो आप इस कोने वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ मिलता है एक श्रिंक टू फिट। जैसे ही करोगे तो उस श्रिंक में फिट हो जाएगा, जितना भी छोटा कर लो कभी भी ये उस कॉलम से बाहर नहीं आएगा, लेकिन आप जितना बड़ा करोगे फिर बड़ा भी हो जाएगा।
इसे क्या बोलते हैं हम लोग, श्रिंगटोफिट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, श्रिंगटोफिट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, श्रिंगटोफिट। क्लियर। इसके बाद आता है रैप्टेक्स। क्या आता है, रैप्टेक्स। जानते हैं रैप्टेक्स क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। कोई रिपोर्ट बनानी है, क्या बनानी है, रिपोर्ट। तो आप इतने एरिया को मर्ज कर दो, क्या कर दो इसे, मर्ज। अपनी कंपनी का नाम लिख दो, ये क्या हो गई, जब रिपोर्ट बनाते तो ये आता है। नमस्ते, आ गया। मैंने लिख दिया यहाँ पर कमल ट्रेडिंग कंपनी। तो रिपोर्ट बनाते हैं ना तो ऐसे करते हैं, तो हमने ये बना लिया। आ गया, इसको बॉर्डर कर दो, देखो कितनी अच्छी रिपोर्ट बन जाएगी। जैसे क्या, जब आपको सभी एरिया को एक ही में कन्वर्ट, एक एरिया बनाना है, तो आप किस पर क्लिक कर देना, मर्ज पर। तो क्या बन जाएगा आपका, एक एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एक एरिया बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब इनका यूज कैसे करना है ये भी तो सीखना है, करना है, करना है सभी को। आ जाओ मैं एक तरीका दिखाता हूँ। आपने पैन कार्ड सुना है, पैन कार्ड लिखा होता है, पैन कार्ड बनवाइए 200 रुपये में, पैन कार्ड बनाइए 400 रुपये में, पैन कार्ड बनवाइए 500 रुपये में। मैं आपका पैन कार्ड का एक फॉर्म बनाना सिखा दूंगा। क्या सिखा दूंगा, फॉर्म का, पैन कार्ड। मैंने लिखा फॉर्म 49A डाउनलोड, और मैंने इस पर क्लिक करा, डाउनलोड किस में, PDF। तो ये क्या हो गया आपका, देखो PDF में डाउनलोड हो गया। ये फॉर्म मुझे पूरा बनाना है, क्या ये फॉर्म मैं एक्सेल में बना सकता हूँ, ये करना। अगर आप चाहोगे तो मैं देखो ऑलरेडी इस फॉर्म को बना के रखा हुआ है, बिल्कुल डिट्टो है फॉर्म। ये फॉर्म क्या है, ऐसे लिया है, यहीं से ले आया था ना, लो फटाफट खा लो, कोई बात नहीं। चलो इधर अब, हेलो, थैंक यू भाई। अरे थैंक यू वाली बात, वो लैपटॉप इधर पड़ा है, मैं देख लूं, मैं कर दूंगा, मैं लेके जा रहा हूँ। क्यों, शादी में जा रहा था। चल ठीक है, क्या करना है हमें, फॉर्म बनाना है। अब एक बात डिसाइड कर लो, जब ये फॉर्म बनाना है तो हमें बहुत छोटी छोटी बारीकी लेके चलनी है, छोटी छोटी बारीकी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी ये फॉर्म हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं। सर वो छोटी छोटी बारीकी क्या है, सबसे पहले एक नई शीट बना लो, या आप जिसको जिसे बनाना है वो ना, आप सबसे पहले एक एरिया को छोटा कर लो। सबसे पहले क्या करो, एरिया को हमें छोटा, हमें फोन इसको बड़ा ही रखा, हमने इसको बड़ा रखा, कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल में यूज करूँगा तो ये छोटा बड़ा हो जाता है। हाँ क्लियर है। अब इस एरिया को पूरे को सिलेक्ट कर लो, और पूरे को सिलेक्ट हो गया, किसी एक को पतला करो ताकि क्या बन जाए, बॉक्स जैसा बन जाए। तो क्या बन गया, बॉक्स बन गया। क्या बन गया आपका, बॉक्स जैसा बन गया। कैसा बन गया आपका ये बॉक्स, ठीक है, क्लियर है, बॉक्स बन गया, इस बॉक्स बन गया आपका। अब हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, कि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें देखना है सबसे पहले फॉर्म को क्या स्टार्ट कर, सबसे पहले हमें एक लाइन इधर से पतली करनी है, एक लाइन इधर से पतली करनी है, और एक लाइन लास्ट से पतली कर देते हैं। क्लियर, इतना हो गया, ताकि ये स्पेस बना रहे। क्या बना रहे, देखो हल्का सा स्पेस है, हल्का सा स्पेस। क्लियर है। अब तुम यहाँ से क्या करो, बॉर्डर अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, बॉर्डर अप्लाई करो। अब नीचे आ जाओ, बॉर्डर अप्लाई करो, थोड़ा लंबा रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहां जाओ इंसर्ट, और क्या अप्लाई करो, बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया, पहला काम तो हमारा ये बॉर्डर बन गया। क्लियर है। दूसरा, बॉर्डर बनने के बाद मैं अभी एक टॉपिक कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आगे से कंटिन्यू करूंगा। मुझसे एक टॉपिक रह गया, मैंने मल सिखा दिया था, मल सेंटर
गुड इवनिंग। जब तुम्हें 10 चीजों को क्या करना हो, मर्ज करना, तो क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर करते हैं। लेकिन अगर आप रो वाइज मर्ज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रो वाइज, तो आप कहाँ जाएंगे, मर्ज, और इसे क्या कर देंगे, मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज तो होगा, लेकिन कैसे होगा, एक एक मर्ज होगी, रो वाइज मर्ज, उसमें क्या था, एक ही बन गया। तो आप चाहते हो मर्ज ना हो, हटिया मर्ज, तो उस पर क्लिक कर दो, तो मर्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, लाना हटाना वैसे, बस यही बताना था, टॉपिक भूल गया। क्लियर? हाँ, और ऐसे कर दो तो कैसे, अभी तो इसमें भी ऐसे लाइनें आ रही थी, और ऐसे करना, ऐसे भी कर लो आप, इसे सिलेक्ट करो और मर्ज क्रॉस कर, सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है, लेकिन वो रो वाइज ही होगा, कॉलम वाइज नहीं होगा, रो वाइज होगा, कॉलम वाइज नहीं, वैसे अलाउ नहीं कर रहा। आ जाए, अब ये हमें ये बनाना है, ये किसके लिए, हमारी फोटो के लिए। तो सबसे पहले हमें फोटो के लिए बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इतना सही रहेगा, सेलेक्ट करें, बोर्ड अप्लाई करें, चलेगा, यूनिट में एनओएच लेकर बनाना पड़ेगा। हाँ, F3 करके बनाओ, ये आ गया, अब मैं से क्या कर दूंगा, मर्ज बन गई। अब मुझे, लेकिन अब देख लो ये चौड़ा थोड़ा सा है ना, मुझे छोड़ा और करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, क्या कर दूंगा, अनमर्ज, और रो मतलब लेंथ कम है उसमें, उसके साथ कम कर दूँ, कम कर दूँ, बताना तू जैसा कहे भाई, तेरे हिसाब से काम करूँ, टेंशन क्यों ले रहा है, ले मैं सब हटा दूंगा, तू बोल तो सही, ले भाई हटा दिया। अब चौड़ा इतना सही है, चौड़ा चौड़ा ज्यादा हो गया फिर, नहीं सर सही है ना, फोटो सर चौड़ी होती है, पासपोर्ट साइज यार इतनी भी नहीं होती है, तो बहुत ही ज्यादा चौड़ी करवा रहा है। अब नीचे हमें एक और लाइन चाहिए, लेकिन लाइन दो की रखना, नहीं दो तो ज्यादा हो जाएगी, ये भी ठीक है, यहाँ से इसे भी क्या कर देना, बॉर्डर, और इसे क्या कर देना, मार्च, बन गया, बन गया। अब लिखना भी है, तो इसमें से कॉपी करो और वहाँ जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, लेकिन पेस्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज क्या कर देना, छोटा, बस। हाँ कर रहा हूँ सर जी, आप मुझे बताते रहो, मैं कर दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं सर, और छोटा देख लो, बता दो, ठीक है बिल्कुल। लेकिन हमें दो लाइन चाहिए होंगी, देखो एक में साइन एंड लेफ्ट थंब बोल रहा है ना, कॉपी पेस्ट, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा, और वो भी कितना, 6 था, ठीक है, ठीक है, अभी 6 में काम नहीं चला सर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको श्रिंक टू फिट, ठीक है आ गया। लेकिन एक लाइन नीचे हमें चाहिए होगी सर, तो हम इसे क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे बढ़ा के क्या करते हैं यहाँ से। अब देखो एक कंडीशन है, अगर मैं बॉर्डर यहाँ अप्लाई कर दूंगा ना, मैं फंस जाऊँगा, मैं फंस गया बीच में, लाइन आ गई, अब क्या करें, तो तुम क्या करना, कंट्रोल 1 दबा देना, कंट्रोल 1 दबाओगे तो क्या खुल जाएगा, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में जाने का बॉर्डर में, और क्या कर दो, अब बताओ इसका कौन सा हटाना है, हमें टॉप वाला, तो हम यहाँ से हटा देंगे, तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट गया, अब मर्ज करेंगे नहीं ना यार, कहाँ है, आ गया, अब इसे थोड़ा सा पतला कर ले, अगर तेरे को ज़्यादा लग रहा है तो बस कर ले, थोड़ा बहुत तो चला ही लेते हैं यार, एक्सेल नहीं, तो दोनों सेलेक्ट करेंगे, अब मर्ज एक्रॉस कर सकते थे, हम मर्ज एक्रॉस कर सकते थे, तो रो वाइज तो मर्ज करता है, वो कर लेते हैं, टाइम बच जाता ना हमारा। अब देखो हम ऊपर नीचे वाला फॉन्ट चाहिए सेम, तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट किसकी मदद लेंगे, कोई बताएगा, फॉर्मेट प्रिंटर की मदद लेंगे, किसकी मदद लेंगे हम लोग, जो फॉर्मेट प्रिंटर क्या कहता है, ऊपर चीज नीचे लाने के लिए, सेम हो गई, लेकिन इसका क्या उठ गया, बॉर्डर हट गया, तो कंट्रोल 1 करो और नीचे ले आओ बॉर्डर, ऊपर बॉर्डर आ गया, कंट्रोल 1 करो, क्या से हटा दो,
बन गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ भी चाहिए हमें सेम, ठीक है, तो यहाँ भी बना लो। समझ आ रही है आपको? ये सही है इतना या थोड़ा और? अब नहीं यार, सही है। क्यों वो ये फोटो भी ज्यादा है ना भाई? अब देख, अब एक क्वेश्चन ये है, मैं ये मेहनत वहां करना चाहता हूँ, बताओ कैसे करूंगा? तो मैं इस मेहनत को बहुत तेजी कर सकता हूँ, मैं इसे कॉपी करके, इतने एरिया को कॉपी करके ना, बस खाली मुझे कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ जाके क्या कर सकता हूँ? कॉपी पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज अ कॉलम, तो क्या जाएगा? कॉलम। और क्या कर दूंगा फिर? कंट्रोल भी पेस्ट एज अ कॉलम, जिससे कॉलम का साइज आ जाए। और फिर क्या कर दिया? पेस्ट एज अ कॉलम, पहले पेस्ट एज अ कॉलम एंड देन पेस्ट ऑल। अब तुम्हें साइज बताओ, साइज कैसा लग रहा है? छोड़ा होना चाहिए, होना चाहिए ना हल्का सा। तो इसे अन कर दो, और फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट हो गया ना, अब इसे एक बढ़ा दो, एक क्या कर दो, बढ़ा दो। ये तरीके बताओ ताकि तुम लोग क्या करो, इन तरीकों को फॉलो कर सको, काम को थोड़ा जल्दी कर सको। काम जल्दी हो जाएगा तो फिर आप थोड़ा दूसरी जगह भी ध्यान लगा सकते हैं, जैसे आगे कुछ सीखना हो तो वो भी कर सकते हैं। समय होगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? और नीचे सही है इतना? हाँ, बन जाएगा? नहीं बन पाएगा? अब बना लोगे? अब बना पाओगे? ठीक है, आगे। अब हमें टॉप पर क्या चाहिए? फॉर्म। तो इतने हिस्से को हम क्या करेंगे? मर्ज। मर्ज भी क्या करेंगे? मर्ज सेंटर। अब कॉपी करेंगे, वहाँ क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। आ गया फॉर्म, इसे क्या कर देंगे हम? बोल्ड। नहीं, हर लाइन का अलग रहेगा। कॉपी करो। यस भाई, नहीं देखना है, अजमल देखना खड़ा है। सारा मेंशन करके कर रहा हूं सर, जैसे जो भी। भाई मैं आके बताता हूँ क्या पूछें, देखो क्या कह रहे हैं, पूछो जल्दी। नहीं कर सकते जब सिंगल लेगा तब, यही था ना ऊपर टैक्स रेट था, ऊपर नीचे आइटम वाइज है ना। चल कॉपी कर ले उसके, अब इसे सिलेक्ट करो, एक साथ नहीं कर सकते हम, एक करके अलाउ नहीं करता वो ना। अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, इसे क्या कर दो? छोटा कर दो। इसे क्या कर दो? बॉर्डर। परफेक्ट बन रहा है, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये दिक्कत करेगा, पता क्यों दिक्कत करेगा? हैं, स्पेस कम है, बिल्कुल सही। लेकिन आपको पता हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ? हम साथ कर लें तो काम हो जाएगा। हो गया, ये थोड़ा सा अप कर दो। बोल्ड
हो गया सबसे ऊपर वाले को चेंज हो गया किसको एप्लीकेशन क्यों सेव वाला कौन बड़ा है बड़ा थोड़ी हो तू चाहता एक फोन और बढ़ा दूं क्या भाई मत करवा एक फोन उसको छोटा कर दो ना साथ कर दो उसको क्यों सेम हो जाएगा ना फिर एप्लीकेशन वाले को साथ कर दो एप्लीकेशन वाले को कितना कर दूं इतना ये निशा रहता भाई वो तो अलग से दिखना चाहिए था बक तेरी बात जो है भाई वो कर लेता हूँ अलग से दिखना चाहिए देखो मुझे अगर मुझे कहते थोड़ा जल्दी कर दूंगा आपको सिखा रहा हूँ तो थोड़ा समय ले रहा हूँ 1 आवर लग जाएगा आप सोच लो सर पहली बार तो लगेगा ना आपको आइडिया आप सीख किस लिए रहे जब आपको सीख जाओगे तो फिर काम करना सर टिप्स भी तो बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर सकता ना अभी मैं तुम्हें पहली क्लास में क्लियर कर दिया था कि मैं कोई ट्रिक यूज़ नहीं करूँगा जिससे तुम मुझे बोल पाओगे अभी मैं तो खाली एक ही काम कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट का दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहा सर देखो अब तुम कर लेना बाकी ये तुम अभी सीख लो फिलहाल डिजाइन डिजाइन सब तुम करना वो मैं देखूंगा कितना अच्छा कर रहे हो तुम लोग ये दिक्कत कर रहे हैं कितना लो सब हट जाएंगे आप थोड़ा दो सब हटेंगे ठीक है आ गया ठीक है हो गया थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें तो हम यहाँ पे एक दो रो इंसर्ट कर लेंगे इंसर्ट कर लो क्योंकि आपने सेंटर रखा है सबको तो रो हो गई क्लियर इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सबकी रो हट जाए तो आप व्यू में चले जाओ और यहाँ से हटा दो ग्रिड लाइन तो सारी ग्रिड लाइन हट जाएंगे ठीक है व्यू में ग्रिड लाइन क्लियर अब कोई दिक्कत नहीं फिर आप इसे क्लिक करो फिर आप अभी बता दो इतने हिस्से को सिलेक्ट करके इसको ना होम में जाके इसको वाइट कलर कर दो सारी ग्रिड लाइन हट जाएगी क्या कर दो इसको वाइट कलर कर दो ये ट्रिक्स हैं ये आप जुगाड़ नहीं कह सकते इसको ये ट्रिक्स हैं मैं यूज करूँगा अभी थोड़ा बहुत हाँ वो और कोई फर्क नहीं सर यार आप सबके हटाओ ना सबके हटाओ ना आप अब इधर ध्यान दो अब देखो हमें कलर चाहिए लेकिन कलर देने से पहले एक बीच में गैप है ध्यान दो एक बीच में गैप है तो यहाँ पर एक हल्की सी लाइन ले आओ सिलेक्ट करके इसे हल्की सी एक पतली लाइन कर लो ताकि वो क्या बन जाए गैप बन जाए और पता है उसने कहा कलर देखो ये कलर भी है कलर पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोने से तो कलर पता है कहाँ से स्टार्ट करना यहाँ से ताकि उसे लगे कलर हम कहाँ से ला रहे हैं बैक से ला रहे हैं तो यहाँ पर जब इसे हल्का सा बड़ा भी कर लो हल्का सा बड़ा कर लो हो गया अब ऐसे लगेगा कलर कहाँ से निकल रहा है इसके पीछे से निकल रहा है लो अब सामने वाला क्या बोलेगा दूसरा इन सभी को सिलेक्ट करके इनका बैकग्राउंड क्या कर दो वाइट कर दो इसका जो आप बैकग्राउंड वाइट करोगे इससे क्या फायदा मिलेगा आपको नहीं सबका नहीं करना थोड़ा सा ऊपर वाले को छोड़ दो मतलब इनका तो नहीं करना ना बाकी होगा कर दो कर दोगे
जैसे इसको सिलेक्ट कर लो, इतने का क्या कर दो वाइट कर दो, वो बहुत अच्छा लुक देगा। इतने का सिलेक्ट करो, क्या कर दो वाइट कर दो, वाइट कर दो, इतने का सिलेक्ट करो और वो क्या कर दो वाइट कर दो, ठीक है वाइट। और पता है अगर तुमने लास्ट एक्शन को रिप्लाई करना है, अप्लाई करना है, F4 दबा दो तो लास्ट एक्शन जो तुमने जहां जहां अप्लाई करा होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा सब में। एक साथ करोगे तो अलग अलग आईडी आएगा ना। F4 शॉर्टकट की, F4 शॉर्टकट की होती है लास्ट एक्शन को फॉलो करने के लिए, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, कोई भी एक्शन वो लास्ट एक्शन को अप्लाई करता है। क्लियर, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बन गया। अब इसमें ये वर्ड लिखना है, इसे कॉपी करो और वहाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल। देखो कलर हट गया ना, तो कलर लिया दोबारा, ब्लैक नहीं था यार, आ गया, क्योंकि वो जब पीछे से वहाँ से हट के आया ना कलर। अब इसमें ही मेरी गलती है, अभी देखो यहाँ भी एक लाइन का गैप है तो इस लाइन को पतला भी कर सकते हैं आप। चलो अब इसको क्या कर दो, ऐसे करो, सिलेक्ट करो, क्या कर दो ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर की, लेकिन इसमें दो दो चार दो छः, तो छः का ले लो, लेकिन तीन लाइन गलत ले ली हमने, दो लाइन का लेंगे। क्लियर है, तो एक दो इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दो, मर्ज, एक दो मर्ज, एक दो मर्ज, और इन सबको इनको मैं ना यूज़ करने लगूँगा ना, फिर तुम ही रह जाओगे। बना लो, मल्च की शॉर्टकट की बन जाएगी, ऑल्ट एच और MM, ठीक है। अब बन गया इसका पहला, बन गया पहला बॉक्स, बन गया ना एरिया कोड। अब हमें कितना चाहिए, दो का, तो एक दो, एक दो मल्च, एक दो मल्च, और ऊपर वाले को फिर कितने का चाहिए हमें, सेम चाहिए वाला, तो ये क्या करो कॉपी और यहाँ क्या कर दो पेस्ट। क्लियर, अब हमें दो चाहिए तो दो क्या कर लो, एरिया बढ़ा लो, कंट्रोल प्लस, बढ़ गया। अभी और चाहिए होगा, एरिया बढ़ा लो। क्लियर है, तो कॉपी और क्या कर लो कंट्रोल, बन गया। समय लग रहा है क्या बनाने में, ऐसे ही बनता चला जाएगा फॉर्म। अब इसका कर दो फोन खुला, ठीक है आ गया आपका, कर लोगे बाकी। यार सभी को फॉर्म बना के दिखाना है मुझे, आज तो नहीं बनेगा लेकिन कल तक बनाना है। चलो बनाओ, डाउनलोड कर लेना या ग्रुप में शेयर कर देना कोई भी एक।